इंदौर के कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड पर बनी दुकानों को निगम द्वारा हटाया जा रहा है। हीरानगर थाना क्षेत्र के इंदौर के भाजपा विधायक के समर्थकों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया। क्षेत्र के लिस्टेड बदमाश घनश्याम चौधरी और जीतू चौधरी के कब्जे हटाए गए। गौरतलब है कि माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के तहत साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को इंदौर के क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंडोला के क्षेत्र में अवैध कब्जों पर निगम के बुलडोजर चलाए गए। कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड पर कई धार्मिक आयोजन एवं नवरात्र में क्षेत्र के विधायक रमेश मेंडोला द्वारा गरबों का आयोजन किया जाता है। यही वजह है कि यहां जो दुकानें बनी हुई थी वह भी क्षेत्रीय विधायक के संरक्षण में बनी हुई थी। ये आरोप अक्सर लगते रहते हैं कि ऑपरेशन क्लीन के तहत यह कार्यवाही राजनीतिक रसूख रखने वाले भाजपा और कांग्रेस नेताओं पर भी हो रही है। देखिए, आज जो कार्रवाई होनी है, ये जितेंद्र चौधरी और इनके द्वारा यहाँ पे एक जमीन पर कब्जा करके गार्डन बना लिया गया था। साथ में जो पास की जमीन है उसके ऊपर भी कम से कम 20-25 बड़े बड़े शेड थे। 3 कमरों का निर्माण कर लिया गया था, जिन शेड के अंदर गैरेज चल रहे थे और दूसरा व्यापारिक गतिविधियां हो रही थी, और जहां पे 3 कमरे बनाए गए थे जिसको ये बता रहे थे कि साहब ये हमने सिर्फ चौकीदार के लिए रहने के लिए बनाया है, वहां पे रीत और रेत और सीमेंट और ईंटों का कारोबार होता था। ये पूर्ण रूप से अवैध निर्माण थे। आज इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के अंतर्गत 3 थानों का बल है, CSP है, रिमूवल के करीब 100 कर्मचारी हैं, और इस तरह से SDM है और तहसीलदार वगैरह है। जी हाँ, ये इस वक्त ये जो है सरकारी जमीन है, इनका वाद न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, लेकिन वहाँ से कोई प्रकरण फैसला नहीं हुआ, वर्तमान में सरकार के अधिपत्य में। आज ये थाना हीरानगर क्षेत्र के अंदर घनश्याम चौधरी और जीतू चौधरी के कुछ अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई का रिमूवल का कार्य किया जा रहा है नगर निगम द्वारा। प्रशासन और पुलिस का अमला यहाँ पर ये देखने के लिए, ये आप सुनिश्चित कराने के लिए उपस्थित है, ताकि कभी किसी भी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो या फिर किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो। सर, किसी तरह कोई आपराधिक मामला भी इनके खिलाफ दर्ज है या? आपराधिक रिकॉर्ड जीतू चौधरी का है, करीबन 10 आपराधिक केस हमारे रिकॉर्ड में पाए गए हैं और इनका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। ये ऑपरेशन क्लीन से जुड़ी हुई कार्रवाई है सर या केवल अतिक्रमण की कार्रवाई? अतिक्रमण की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है, और हाँ, ये हमारे रिकॉर्ड धारी रहे हैं तो इसके जो पुलिस की कार्रवाई बनती है वो भी की जाएगी।